और सुमन हम की तरफ से शपथ लेते हुए। संतोष कुमार सुमन को इस बार कैबिनेट में शामिल किया गया है। हमसे ताल्लुक रखते हैं, इतना मांझी कहा जा रहा था कि शामिल हों क्यों नहीं होंगे, उसके अलग अलग तरह के कई रीजन सामने आए और इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़े हैं, MLC हैं, अभी विधान परिषद के सदस्य हैं और जल्द ही जब मंत्री पद ग्रहण कर लेंगे तो चुनाव भी 6 महीने में लड़ना होगा। हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी के पुत्र हैं और एक तय रणनीति के तहत ही ये कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी ने उनके लिए कहा था कि अगर मंत्री पद मिलना भी होगा तो वो संतोष सुमन के लिए ज़रूर अपनी बात को रखेंगे। तो ऐसा लग भी रहा है कि NDA ने उनकी इस बात को तवज्जो दी है और इसी के तहत नीतीश सरकार में संतोष सुमन मंत्री बनेंगे।